नमस्कार दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में दूसरे T20I मुकाबले की भी पारी समाप्त हो चुकी है। दोस्तों टॉस जीता था साउथ अफ्रीका की टीम ने और गेंदबाजी को चुना था और कहीं ना कहीं उनका यह फैसला काफी कारगर साबित हुआ, क्योंकि भारत की तरफ से कोई बल्लेबाज अर्धशतक की तो पारी छोड़िए 40 रन से ज्यादा रन भी नहीं लगा पाया, जिसके चलते भारतीय टीम ने 124 रन ही बनाए 6 विकेट खोकर। दोस्तों ऐसे में साउथ अफ्रीका को टारगेट पूरा करना था, 125 रन लगाने थे 120 गेंदों में। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए 200 हर्षदीप सिंह की गेंद पर रैकिल्टन पहले स्लाइन बल्लेबाज 13 रन बनाकर कैच दे बैठे और डीप मिड विकेट कर कैच पकड़ ली गई, जिसके चलते 13 रन बनाकर रैकिल्टन आउट हुए। दोस्तों के बाद आए मार्करम और आते ही मार्करम इस तरीके से चक्रवर्ती गेंद पर बोल्ड हुए, मात्र 3 रन बनाकर कप्तान मार्करम चक्रवर्ती के हाथों आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद रिजा हेनरिक्स भी 24 रन बनाकर अगले ही ओवर में बोल्ड हुए। ताश के पत्तों की तरह साउथ अफ्रीका की विकेट जा रही थी, रिजा हेनरिक्स भी 24 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद आते ही मार्को जनसन भी चक्रवर्ती गेंद को पढ़ नहीं पाए और इस तरीके से क्लीन बोल्ड हुए। दोस्तों जनसन भी आउट हुए 7 रन बनाकर। फिर उनके बाद आए सबसे बड़े बल्लेबाज हेनरिक क्लासन और आते ही चक्रवर्ती की इस गेंद को हवा में खेल बैठे, बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में सीधा डीप मिड विकेट पर क्लासन कैच दे बैठे और बड़ा झटका लगा साउथ अफ्रीका की टीम को, क्लासन 2 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद आए मिलर। दोस्तों मिलर भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए, आते ही चक्रवर्ती की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हुए, जिसके चलते 4 ओवर में 17 रन देकर 5 बड़े विकेट निकाले वरुण चक्रवर्ती ने। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाफ साउथ अफ्रीका फंसी हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद आए मैदान पर क्रिस्टन स्टॉप और गिरल कॉट्जी और दोनों ने मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जहां मुकाबले में स्टॉप्स ने 47 व गिरल कॉट्जी ने 19 रन लगाए और 19वें ओवर में ही साउथ अफ्रीका की टीम इस मुकाबले को जीत गई। 3 विकेटों से साउथ अफ्रीका ने इस मुकाबले को जीत लिया और 1-1 से सीरीज बराबर हो चुकी है। दोस्तों आप सभी को बता दें भारतीय टीम का प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन अंत में बल्लेबाजी काफी कारगर रही साउथ अफ्रीका की, जिसके चलते साउथ अफ्रीका की टीम ने इस मुकाबले को शानदार तरीके से लाजवाब तरीके से जीत लिया। दोस्तों मैन ऑफ द मैच रहे इस मुकाबले के ट्रिस्टन स्टॉप्स, लेकिन दोस्तों अब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी को इस मुकाबले में 10 में से कितना नंबर दें कमेंट बताएं। नमस्कार दोस्तों, शुरू हो चुका है भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में दूसरा T20I मुकाबला। पहला T20I मुकाबला भारत ने जीता, अब दूसरा शुरू हो चुका है। टॉस के लिए आए मार्करम और सूर्या और साउथ अफ्रीका के कप्तान मार्करम ने टॉस को जीता, गेंदबाजी को चुना। संजू व अभिषेक सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन इस बार संजू की बल्लेबाजी फेल रही। आते ही जैनसन की पहली गेंद पर संजू बुरी तरह से बोल्ड हुए, शतक लगाने वाले बल्लेबाज पिछले मुकाबले में संजू सैमसन की बार खाता भी नहीं खोल पाए, मात्र 0 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों के बाद सूर्या आए और अभिषेक उनका साथ दे रहे थे, लेकिन मात्र 4 रन बनाकर टॉप एज दे बैठे अभिषेक शर्मा भी और सीधा जैनसन के हाथों में कैच दे बैठे, जिसके चलते इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा भी 4 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। उनके बाद आए तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, लेकिन सूर्य कुमार यादव भी 4 रन बनाकर जैनसन की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, इस तरीके से LBW आउट हुए। कप्तान सूर्य कुमार यादव मात्र 4 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट होकर रह गए। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद अक्षर पटेल और तिलक वर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तिलक भी सामने का शॉट लगाने चक्कर में मार्करम को कैच दे बैठे और 20 रन बनाकर आउट हुए। ताश के पत्तों की तरह विकेट जा रही थी, लेकिन हार्दिक पांड्या चट्टान की तरह अच्छी बल्लेबाजी खेल रहे थे। दोस्तों उनका साथ देने आया थे अक्षर, लेकिन इस तरीके से सामने का शॉट खेल रहे थे बेहतरीन तरीके से हार्दिक और अक्षर को ही रन आउट करा बैठे। फिर आए रिंकू सिंह और रिंकू सिंह भी आते ही बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 9 रन बनाकर इस तरीके से पीटर की गेंद पर गिरल कॉट्जी को कैच देकर 9 रन बनाकर आउट हुए। अंत में आए हर्षदीप सिंह जिन्होंने 7 रन लगाए और हार्दिक ने 45 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 39 रन लगाए, जिसके चलते भारतीय टीम की बल्लेबाजी खराब रही। 124 रन भारतीय टीम ने बनाए 6 विकेट के नुकसान पर मात्र 20 ओवर में। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम की बल्लेबाजी थोड़ी सी डगमगा गई, लेकिन दोस्तों आप भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं। नमस्कार दोस्तों, भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में शुरू हो चुका है पहला T20I मुकाबला। दोस्तों इस मुकाबले में टॉस के लिए एडम मार्करम व सूर्य कुमार यादव टॉस के लिए आए। दोस्तों टॉस गिरा इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान मार्करम की झोली में, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 ये खतरनाक रही। दोस्तों आप सभी को बता दें अभिषेक शर्मा व संजू सैमसन भारत के सलामी बल्लेबाज बनकर आए और आते ही दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू किया। संजू सैमसन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा बड़े शॉट्स नहीं लगा पा रहे थे, जिसके चलते 8 गेंदों में एज दे बैठे अभिषेक और आते ही कैच दे बैठे सरिये से, जिसके चलते अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 7 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद सूर्य कुमार यादव आए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे उनके सामने संजू सैमसन। दोस्तों मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा संजू सैमसन ने, जहां उन्होंने ताबड़तोड़ शानदार व तूफानी बल्लेबाजी ना की हो, लेकिन सूर्य कुमार यादव 21 रन बनाकर क्रूगर की गेंद पर सीधा सिमैलन को कैच दे बैठे, जिसके चलते 21 रन बनाकर 17 गेंदों में सूर्य कुमार यादव कप्तान आउट हुए। उनके बाद तिलक वर्मा आए, इन्होंने भी शॉट्स अच्छे लगाए, लेकिन जलवा हो रहा था मैदान पर चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन की बल्लेबाजी का। मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा संजू सैमसन ने, जहां उन्होंने ताबड़तोड़ शानदार व जानदार बल्लेबाजी ना की हो। दोस्तों आप सभी को बता दें देखते ही देखते अपने शतक तक पहुंच गए संजू सैमसन और इसी सिंगल को लेकर संजू सैमसन ने अपना शतक पूरा कर लिया।
जी हाँ दोस्तों, मात्र 47 गेंदों में 7 छक्के व 13 चौके लगाकर शतक पूरा किया। दोस्तों उनके बाद तिलक वर्मा जो कि आए थे 33 रन बनाकर महाराज की इस गेंद पर कैच जबड़े जनसन को और 33 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद संजू अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 107 रन पर पहुंच चुके थे। तभी पीटर की इस गेंद पर सीधा ट्रिस्टन स्टब्स को कैच दे बैठे, जिसके चलते संजू सैमसन भी 107 रन बनाकर शतकीय पारी खेलकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद विकेटों की लड़ी लग गई, आए थे अक्षर पटेल और रिंकू सिंह, लेकिन इस मुकाबले में अक्षर पटेल आउट हुए मात्र 7 रन बनाकर। दोस्तों उनके बाद रिंकू सिंह भी 11 रन बनाकर आउट हुए, जिसके चलते 202 रन बनाए भारतीय टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम ने 202 रन बना दिए हैं और संजू के शतक की पारी की बदौलत। लेकिन अब संजू की इस पारी को नंबर दें कौन बताए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है पहला T20I मुकाबला। भारतीय टीम के नए कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में एडम मकरम की सेना साउथ अफ्रीका से भिड़ने वाली है। दोस्तों आप सभी को बता दें, पहला T20I मुकाबला जोहान्सबर्ग के मैदान पर खेला जाएगा डरबन में, जहां युवराज सिंह ने इससे पहले 6 गेंदों पर 36 रन लगाने का महारिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में होंगे अभिषेक शर्मा, संजू सैमसंग, सूर्य कुमार यादव कप्तान, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, विजय कुमार वैसाक, आवेश खान, वरुण चक्रवर्ती व अर्शदीप सिंह। बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 भी तगड़ी हो सकती है, जहां उनके पास रीसा हेनरिक्स, रायन रिकल्टन, एडन मार्करम कप्तान, त्रिसन स्टब्स, हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर, मार्को जेनसन, केशव महाराज, गिरेल कॉट्सी, कौन के साथ नकाब आप पीटर होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें, दोनों ही टीमें काफी ज्यादा तगड़ी है। ऐसे में जो भी टीम टॉस को जीतेगी, पिच को मद्देनजर रखते हुए गेंदबाजी को ही चुनेगी, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें, यहां बल्लेबाजी दूसरी इनिंग में मुश्किल होती है, जिसके चलते भारतीय टीम के लिए मुकाबला टक्कर का होगा। लेकिन दोस्तों आप भारतीय टीम के इस प्रदर्शन को 10 में से कितना नंबर देंगे कौन बताएं। नमस्कार दोस्तों, भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में जल्दी शुरू होने वाली है T20I श्रृंखला। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम निकल चुकी है साउथ अफ्रीका का सामना करने के लिए साउथ अफ्रीका की ही सरजमीन पर। वहाँ भारतीय टीम T20 श्रृंखला खेलने वाली है। दोस्तों आप सभी को बता दें, भारतीय टीम के नए कप्तान हैं सूर्य कुमार यादव। दोस्तों पहला T20I मुकाबले की अगर हम बात करें, तो पहला T20I मुकाबला 8 नवंबर को शाम 8:30 बजे भारत के समय अनुसार शुरू होने वाला है जोहान्सबर्ग के लाजवाब मैदान पर। लाइव मुकाबला ये आपको मोबाइल पर देखने को मिलेगा जियो सिनेमा ऐप पर, और अगर आपको टेलीविजन पर देखना है तो स्पोर्ट्स 18 नामक चैनल पर आप इस मुकाबले का लाइव मजा ले सकते हैं। भारतीय टीम के स्क्वाड की अगर हम बात करें, तो भारतीय टीम के स्क्वाड में है अभिषेक शर्मा, संजू सैमसंग, सूर्य कुमार यादव। मिडिल ऑर्डर में है तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, हार्दिक पांड्या। ऑलराउंडर में है रामनदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई। और तेज गेंदबाजों की सूची की अगर हम बात करें, तो वहां है अर्शदीप सिंह, विजय कुमार विशाख, आवेश खान, यश दयाल व रिंकू सिंह। दोस्तों भारतीय टीम की स्क्वाड काफी बड़ी है, लेकिन उससे खतरनाक है साउथ अफ्रीका की स्क्वाड, जिसमें एडम मकरम, रीसा हेनरिक्स, डेविड मिलर, मार्को जेनसन जैसे बड़े बड़े नाम, हेनरिक क्लासन और केशव महाराज जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। ऐसे में आप इन दोनों ही टीमों को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में जल्दी शुरू होने वाला है पहला T20I मुकाबला। दोस्तों पहला T20I मुकाबला 8 नवंबर को फ्राइडे के दिन खेला जाने वाला है। दोस्तों 8:30 बजे से भारत में लाइव आप ये मुकाबला जियो सिनेमा के ऐप पर देख सकते हैं। दोस्तों भारत की युवा टीम तैयार है साउथ अफ्रीका से लड़ने के लिए। सूर्य कुमार यादव इस नई टीम की कप्तानी कर रहे हैं और कोच हैं गौतम गंभीर। दोस्तों इससे पहले गौतम गंभीर की कोचिंग में कई कारनामे भारतीय टीम कर चुकी है। ऐसे में सूर्य कुमार यादव के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी है। 200 किंग्स में डरबन का यह मैदान है, जो कि काफी बड़ा है। स्क्वाड की घोषणा हो चुकी है, जिसमें सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन जैसे बड़े बड़े नाम शामिल है। दोस्तों आप सभी को बता दें, भारतीय टीम के लिए T20I श्रृंखला जीतना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम अभी तक तो कोई सीरीज नहीं हारी है। लेकिन जिस हिसाब से साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में प्रदर्शन किया था, वो हिसाब से साउथ अफ्रीका की टीम काफी ज्यादा मजबूत है। ऐसे में भारत के युवा खिलाड़ियों के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी है सीरीज जीतने की। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम ये T20 श्रृंखला जीत पाएगी या नहीं, हमें कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच में तीसरे टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन और इस सीरीज का अंतिम दिन।